हाय दोस्तों, मैं जीपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश से। अपने लाइफ में जो सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है, एक बार ज़रूर देखें। हाय दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया बनारस जिला जौनपुर से। बहुत समय पहले एक सॉन्ग आया था खेसारी लाल का, गला तारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा। तो उसी पे एक मैं सॉन्ग लिखा हूँ, केवल मुखड़ा ही है, आपको सुनाता हूँ। मज़ेदार है, लिखा है, बारिश में भिगबू जगोरी त दहिया में खुजली होई, अजब खुजलैबू ये गोरी त मौसम बिगड़िए जाई। चलिए आते हैं। हर बारिश में भिगबू जगोरी त दहिया में खुजली होई, अजब खुजलैबू ये गोरी त मौसम बिगड़िए जाई। बारिश में भीगबू जे गोरी त देहिया में खुजली होई, अजब खुजलैबू ये गोरी त मौसम बिगड़िए जाई। ये केवल मुखड़ा ही था। अगर किसी को चाहिए तो आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, ले सकते हैं। मेरा कोई भी सॉन्ग एकदम बीट टू बीट ही रहता है। एनीवन सॉन्ग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, एकदम बीट टू बीट रहता है। बीट टू बीट उसे बोलते हैं जो मतलब न कम न ज़्यादा, जितना ऊपर अक्षर रहता है, जितना ऊपर अक्षर रहता है उतना नीचे भी रहता है, उसी को बीट टू बीट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फिलहाल ये सॉन्ग तो पुराना ही है, लेकिन आजकल देख रहा हूँ ट्रैक पे बहुत लोग गाते हैं। ट्रैक पे गाने में तो कुछ है नहीं, बस फालतूगिरी, पैसा खर्चा करते हैं। यदि उनको चाहिए तो ले सकते हैं कोई भी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा सॉन्ग लाया था, जैसे यहाँ पे तुकबंदी में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है, यहाँ जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है, ये लिखा है गोरी, यहाँ पे हो ही है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मैटर मैटर बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए, ये गोरी लिखा है, यहाँ पे जाई लिखा है नीचे, लेकिन वो मैटर बना है ना, इसके लिए वो अच्छा लग रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब तुकबंदी में मिस्टेक है, तुकबंदी एक नंबर की रहती ही है, लेकिन क्या है कि ये मैटर ही अलग है, तो क्या करोगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं ये सॉन्ग। थैंक्स दोस्तों। हर कमेंट्स पे होगी जेपी पाल भोजपुरिया की नज़र। सब्सक्राइब नाउ माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।